बादलों के पंख लगा के भरी है हमने उड़ान समावेशिता सुगम्यता ही लक्ष्य हमारा है हर मुश्किल से डटकर लड़ना स्वप्न हमारा है छोड़ के आगे बढ़ते जाएं कदमों के निशान हौसलों के पंख लगा के भरी है हमने उड़ान का बस खेल यही है गिरना और संभलना विश्व पटल पर कुछ करने का दिल में है अरमान हौसलों के पंख लगा के भरी है हमने उड़ान वेलकम बैक एक बार फिर से उड़ान हंट में आपका स्वागत दूसरा राउंड जिंगल राउंड हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को इंतजार होगा लेकिन हम आपके इंतजार को अब खत्म कर रहे हैं और लेके आए हैं आपके लिए सेकंड राउंड का पहला एपिसोड तो मेरे साथ मेरी को होस्ट है ज्योति आइए स्वागत करते हैं ज्योति बहुत बहुत स्वागत वेलकम बैक मेरी ओर से भी मैं हूँ ज्योति मलिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान आरजे हंट में हम लेकर आए हैं अगला राउंड जिसमें कि हमारे आरजेस की आवाज में हम प्रोमो सुनने वाले हैं तो मुझे भी बहुत इंतजार है हमारे आरजेस क्या परफॉर्म करने वाले हैं चलिए तो आज का प्रोग्राम भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं हर्षदा जी बहुत बहुत स्वागत थैंक यू सो मच जजेस एंड दानिश सर एंड ज्योति मैम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का प्रोमो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन ऑल द प्रोमोस देखते हैं हमारे 17 सितारों ने क्या क्या रंग बिखेरे हैं ऑल द बेस्ट टू एवरीवन अंकित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू ज्योति थैंक यू दानिश बाकी जजेस थैंक यू भाई 7 सितारे थे अब 17 हो गए हैं अब क्या क्या होगा ये देखते हैं ऑल द बेस्ट सभी को बिल्कुल तो आइए सोनी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका भी थैंक यू ज्योति थैंक यू दानिश और सभी सुनने वालों को और मेरे फेलो जजेस को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और यथोचित प्रणाम हम जो रिकॉर्डिंग करने आते हैं ना जब तो बड़े ही फ्रेश माइंड के साथ आते हैं और रिकॉर्डिंग से पहले हल्की फुल्की नोक झोंक भी होती है बातचीत भी होती है हंसी मजाक भी होता है पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ होता है और जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि जो हमारी जो आने वाली परफॉर्मेंसेज है उसका जो हम पर स्ट्रेस होगा उसे रिलीज किया जाए अब आप पूछेंगे हम पे कैसा स्ट्रेस हम पे स्ट्रेस इसलिए होता है कि हम आपको जज करने वाले हैं आपकी प्रतिभा का टैलेंट का मूल्यांकन करने वाले हैं और वो सबसे मुश्किल काम होता है और आज के जो ये राउंड है हमारा जिंगल राउंड जैसा कि आपको पता है इसमें एलिमिनेशन नहीं है हम सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे और होपफुली हमारी ये एडवाइस आगे आपके काम आएगी ऑल द बेस्ट चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पहले प्रोमो को सुनाते हैं पहली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं अंजलि रतुड़ी आइए सुनते हैं क्या आप भी जॉब अलर्ट्स और डिसेबिलिटी जगत से रिलेटेड न्यूज पढ़ने के लिए वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट हैं और आपको तलाश है एक ऐसे शो की जहां पर आपको वीकली जॉब अलर्ट्स के साथ साथ डिसेबिलिटी जगत से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में भी पता लग सके तो रेडियो उड़ान लेके आया है आपके लिए कम्युनिटी कलर्स हर शुक्रवार रात 9 बजे आरजे पुनीत सोनी और आरजे गौरी कुंभर के साथ
और यदि किसी कारणवश आप इस शो को मिस कर देते हैं तो आप इसका रिपीटेड टेलीकास्ट देख सकते हैं हर शनिवार शाम 4 बजे। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, अभी आप ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप इंस्टॉल कीजिए और हमारे साथ और भी ज्यादा अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए रेडियो डान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं कि क्या कहना है इस परफॉर्मेंस के ऊपर। हर्षदा जी, अंजलि जी, आप ये प्रोमो लेके कहाँ चली? आई मीन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर बिकॉज ऑडिशन राउंड का लेवल और ये इट्स लाइक जमीन आसमान का फर्क है। देयर वर लॉट ऑफ फॉल्स इन द होल प्रोमो। पॉइंट जो आपको शो दिया था उसे स्टिक रहना आपको बहुत जरूरी था एंड ओके ओके परफॉर्मेंस आई वुड से। ठीक, आपको और मेहनत करने की जरूरत है इस सारे सेगमेंट को लेके। अंकित जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे माफी मांगू क्योंकि हम आपको कन्वे नहीं कर पाए। पहले राउंड की परफॉर्मेंस के बाद भी अगर आप ये गलती करेंगी तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ही परफॉर्मेंस को नहीं सुना है। एडिटिंग टेबल में आप बैठना नहीं चाहती हैं। गलती नंबर दो इसमें ये थी कि आप अपनी स्क्रिप्ट में अटक रही थी। नंबर तीन, जब आपको पता है कि आप अपने शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो ओखली में सर क्यों दे रही हैं? जब आपने पुनीत को पुनीत बोल दिया तो गौरी को गौरी बोल के छोड़ देती, उसमें जरूरत ही नहीं है आपको सरनेम देने की, कोई कंपलसरी तो आपके लिए किया नहीं गया है। और लास्ट पॉइंट जो था वो ये था कि जिस फ्रेज का, जिस सेंटेंस का आपने यूज किया वो एड में, प्रोमो में आता ही नहीं है कि हाँ जी आप अगर नहीं सुन पाए इसको अवॉइड करिए या आप नहीं कर सकती तो तैयारी करिए। पुनीत जी, मेरे दोनों साथी बाकी सारी बातें कह चुके हैं। एक बात जिसे शायद अंकित भूल गए या छूट गई वो ये कि आपके ऑडियो की स्टार्टिंग में पहले आपका टॉकबैक बोल रहा था। इट मीन्स कि आपने एडिटिंग पे काम बिल्कुल भी नहीं किया अपने प्रोमो में, आपने सिर्फ रिकॉर्ड किया वॉइस नोट या जैसे भी और सेंड कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दें, काम करें। आपको आगे फुल शो बनाना है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। BGM नदारद था, स्क्रिप्ट आप अटक रही थी, तो होपफुली आप नेक्स्ट राउंड में इन चीजों पर काम करेंगी। ऑल द बेस्ट। अंजलि जी, अगले राउंड की तैयारी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं अंकिता, आइए सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी आरजे अंकिता और मैं आपको कुछ खास, जी हाँ कुछ खास बताने वाली हूँ। क्या आपने कभी कोई भी फिल्म की पूरी कहानी सिर्फ 1 घंटे में सुनी है? नहीं ना, मुझे पता था। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो उड़ान आपके लिए लाया है एक ऐसा शो जहां आरजे राजीव बामजी आपको सुनाएंगे हर शनिवार एक मूवी के बारे में, जो कि ब्रॉडकास्ट होगी 8 PM to 9 PM ऑन एवरी सैटरडे। और अगर आपसे गलती से मिस्टेक होकर ये शो छूट जाता है तो आप इसे रिपीट ब्रॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं, जी हाँ, जो कि आती है 3 PM to 4 PM ऑन एवरी संडे। तो जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज बाय आरजे भामरी। सुनते रहिए, लुफ्त उठाइए हमारे बॉलीवुड के उन लम्हों का जो हमारे लिए खास है। याद रखिए, बॉम्बे टॉकीज ओनली ऑन रेडियो रान। बहुत बढ़िया अंकिता, आइए चलिए जजेस के पास चलते हैं, जानते हैं उनके क्या कमेंट्स हैं आपके लिए। हर्षदा जी, अंकिता, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, वेयर इज द एनर्जी? क्रिएटिविटी थी लाइंस जो आप बोल रहे थे उसमें, थोड़ी क्रिएटिविटी लग रही थी, लेकिन एनर्जी आपको बॉलीवुड ये थीम दिया है। सो बॉलीवुड हमेशा पेपी एनर्जेटिक, यहाँ से वहां आपका मतलब कान में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां ऐसी गुजरनी चाहिए, शुड बी दैट। और जिस तरह से राजीव भामरी सर प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज ऑन अनदर लेवल। सो आपने वो एनर्जी और वो वाइब ग्रैब करना चाहिए शो के होस्ट का, दैट इज व्हाई वी हैव गिवन यू टू लिसन, कि आप रिपीट भी सुनिए, लाइव शो भी सुनिए।
तो वो एनर्जी आप में भी दिखनी चाहिए, बिकॉज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस शो को एनर्जिस्ट. दैट इज द वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल. एंड एक नॉर्मल शो के लिए इट वाज ऑल गुड, लेकिन और मेहनत कीजिए. आपके पास क्रिएटिविटी है, आपको उसको चैनलाइज करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है. सो पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन द शो शो टाइम राउंड. क्या बात है पुनीत जी. आपको शायद बॉलीवुड की ज्यादा नॉलेज नहीं है. शो का नाम है बॉम्बे टॉकीज, और बॉम्बे टॉकीज, मैं थोड़ा सा दानिश टाइम लूंगा, बड़ी माफी चाहता हूँ. बॉम्बे टॉकीज जो है वो एक पुराना प्रोडक्शन, पुरानी प्रोडक्शन थी जो मूवीज बनाया करता था 40s में, 30s में, कुछ 50s में. तो ये जो बॉम्बे टॉकीज शो है ये बेसिकली पुरानी मूवीज को कवर करता है. ज्यादातर न्यू मूवीज इसमें आज तक नहीं आई हैं, ठीक है. लेकिन जो आप जिस तरीके से आपने इसका प्रोमो बनाया है, दैट वाज लाइक कि आप न्यू मूवीज, आप ऐसी मूवीज सुनवाएंगे आपको, थ्रिलर, ये वो 2000 की मूवीज आपको सुनवाई जाएंगी, जबकि उस शो का क्राइटेरिया इस तरह का नहीं है, ठीक है. दूसरी बात यह है कि उस शो के दो आरजेज हैं, आपने सिर्फ एक का नाम लिया है. तो इसका मतलब ये है कि आपने वो पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से या तो पढ़ी नहीं या आप भूल गए. तो होपफुली यू विल वर्क बेटर. ऑल द बेस्ट. ओके अंकित जी. अरे एनर्जी कहाँ है, क्या घर वाले खाना नहीं देते क्या? थोड़ा ज्योति दी से ले लीजिए, हैं, उनको भी कम पड़ेगा और आपको ज्यादा पड़ेगा, एनर्जी आ जाएगी. खैर जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, आप की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन फाइन मार्जिन होता है प्रोमो और आरजे मेंशन में. आपने जो दिया है ये आरजे मेंशन है. प्रोमो में कभी भी अपने नाम का इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना होता है, सिर्फ जिसका प्रोमो है उसके बारे में बताइए और खत्म करिए, बाकी सब ठीक है, अब मेहनत करिए. ओके चलिए बहुत बढ़िया अंकिता. उम्मीद करते हैं जो जजेस ने आपको कमेंट्स दिए हैं, जो सजेशंस दिए हैं, उसे आप जरूर फॉलो करेंगी. तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अरहान, आइए सुनते हैं. किसी महान शख्सियत की जिंदगी की कहानियाँ या किसी संघर्षशील व्यक्ति के जीवन की आप बीतियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाकर हमें प्रेरित करना, देश विदेश की खबरों से अवगत कराना, अपने अनुभव साझा कर जीवन जीने की नई राह दिखाना, अपनी सुमधुर वाणी से सबको लुभा जाना, अपने लफ्जों से हमें कृतार्थ करना. दीजिए आप अपना कीमती वक्त और समर्पण भाव, सुनते रहिए माय व्यू पॉइंट बाय लक्ष्मण राव हर मंगलवार शाम 7 PM टू 8 PM, रिपीट टेलीकास्ट हर बुधवार 2 PM टू 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. अरहान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, चलिए जजेस के पास चलते हैं. शुरुआत करते हैं पुनीत जी से. अरहान आप जिस शो का प्रोमो बना रहे थे और जिस तरह की स्क्रिप्ट आपने चूज की है, निजी रूप से मेरा मानना है कि ये स्क्रिप्ट इस शो के लिए नहीं थी. आप न्यूज शो का प्रोमो बना रहे हैं और आप पता नहीं आपने आप हमें अपने लफ्जों से कृतार्थ करते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या किस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं, जो कि इस शो के प्रोमो के लिए बिल्कुल भी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं थे. तो प्लीज आप स्क्रिप्ट पर थोड़ा काम करें. क्रिएटिविटी होना अच्छी बात है, लेकिन कौन सा सेंटेंस, कौन से शब्द कहां इस्तेमाल होंगे, किस प्रोमो की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके लिए ये भी समझना जरूरी है. एक बात. दूसरी बात यह है कि एडिटिंग आपकी भी थोड़ी सी कमजोरी थी. BGM बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में लाउड था, इसके बाद जब वो डाउन भी हो गया तो आपकी वॉइस में भी जैसे एक आपने कोशिश की अपनी तरफ से रिवर्ब डालने की, लेकिन वो ज्यादा हो गया. तो प्लीज, लेकिन आपको अच्छी बात यह थी कि आप क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा हो रही थी, और जब कोई चीज अति से ज्यादा हो जाती है तो वो कानों को खटकने लगती है. होपफुली आप
नेक्स्ट राउंड में इस पर काम करेंगे. ऑल द बेस्ट अंकित जी. सबसे पहली बात जो पुनीत जी ने बोली वो तो ठीक है, मैंने तो इतना ध्यान भी नहीं दिया था, मैंने दूसरी बातों पे ध्यान दिया था. आपका जो म्यूजिक होता है ना स्टार्टिंग का, वो एक सेकंड से ज्यादा कंसीड होना ही नहीं चाहिए. वो बहुत ज्यादा था. ठीक, आपका आउट्रो अब्रप्ट था, तो जो म्यूजिक आपने स्टार्टिंग में लगाया उसमें उसको आप एंड में लगाते. तीसरी चीज, ये तो आपने बता दिया कि रेडियो पर शो है, लेकिन रेडियो को सुने कैसे? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, यूट्यूब, वेबसाइट, ये सारी चीजें गायब थी. ऑल द बेस्ट नेक्स्ट राउंड के लिए. हर्षदा जी. जी बिल्कुल, मैं अपने दोनों जजेस से बहुत सहमत हूँ. प्रोमोस में फर्स्ट 3 सेकंड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट 3 सेकंड में अगर आप आपके ऑडियंस को ग्रैब कर पाए, द शो इज योर्स. आप 17वें सेकंड से आपका सब चीजें शुरू हो रहा है एंड यू हैव एंडेड एट 49 सेकंड्स. 1 मिनट आपको मिला है, उसका आप पूरा यूज कीजिए. बीजीएम जैसे जजेस ने कहा बहुत ज्यादा था, एकदम लाउड था, और क्रिएटिविटी के चक्कर में आप ये छोटी छोटी न्यूसेंस आप सब भूल गए. थोड़ी और मेहनत कीजिए एंड यू हैव टू गिव योर 100%. आपको ओरिएंटेशन राउंड में भी समझाया था कि किस तरह से प्रोमो होते हैं, किस तरह से चीजें चलती हैं. फिर भी अगर आप सब उसी तरह से मिस्टेक करेंगे देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर द फिनाले राउंड. प्लीज कॉम्पिटिशन की सीरियसनेस को समझे एंड देन डू योर शोज. बिल्कुल, तो स्ट्रॉन्ग कमेंट्स आ रहे हैं जजेस की ओर से सभी के लिए. जो फाइनल राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत टफ होने वाला है, तो तैयारी में लग जाइए आप. हम भी आगे की तैयारी करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद लौट के आएंगे. परफॉर्मेंसेस का दौर जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत. हिडन वॉइसेस एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है. 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सहसंस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है. देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है. देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है. एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है, और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है. इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है. पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है. हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है. इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है. इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है. अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर. उड़ान आरजे हंट के प्रोमो राउंड को आप सुन रहे हैं, और बहुत से प्रोमोज आप सुन चुके हैं, अभी बहुत बाकी भी हैं. पर आगे बढ़ने से पहले दानिश, तुम्हारे घिसे पिटे जोक्स कहाँ हैं? हमेशा घिसे पिटे नहीं होते, समटाइम्स फ्रेश. अच्छा, भी होते हैं. मेरे पास भी एक छोटा सा घिसा पिटा जोक तो नहीं, क्वेश्चन है. मेरे पास भी क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं. पहले तुम पूछो. कौन पहले पूछेगा? लेडी फर्स्ट. दोबारा बोलो. ओके, लेडीज फर्स्ट. तो एक कटा हुआ सेब किसके जैसा दिखता है? दूसरे कटे हुए सेब की तरह बड़ा पुराना है. नहीं 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 नहीं, ये नया है, आईफोन की तरीके से, नॉन प्रमोशन. ज्योति कसम से. अच्छा, वो कौन सी चीज है
जो तुम अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड कर सकती हो लेकिन राइट हैंड से नहीं। राइट हैंड क्यों? वो तो कर वैसे ठीक है चलेगा। नहीं राइट राइट हैंड को थोड़ा करना है, लेफ्ट हैंड मतलब हैंड को छोड़ के। ये क्या बात हुई, मैंने ऐसे तो हैंड को होल्ड। चल वैसे ठीक है, चलो काइंड ऑफ ठीक ही है मतलब इस बार। एक मिनट रुक जा, एक मिनट। नहीं तेरा राइट हैंड तो आ गया ना थे। हाँ आज तो कमाल हो गया ज्योति। ये जजेस हम दोनों के क्वेश्चन में से एक दूसरे को सबसे पहले किसने आंसर किया है क्वेश्चन का जवाब? मेरा वाला जल्दी आया था या ज्योति वाला? ये तो टाई हो गया है, इसलिए टाई ब्रेक। ईमानदारी से बताऊं तो दानिश का जल्दी आया था, मुझे लगता है टाई हो गया है। मेरे लिए तो टाई ब्रेकर था। ठीक है तो मैं टाई ब्रेकर क्वेश्चन टाई ब्रेकर ही बोल दूं। हां दोबारा बोल दो ये कमेंट। ठीक है तो मैं टाई ब्रेकर क्वेश्चन डालती हूं। ठीक है ओके ओके अभी मुझे बताइए कि गॉड ने कभी कोई कफ सिरप क्यों नहीं टेस्ट किया? अगेन गॉड ने कभी गॉड मतलब भगवान गॉड ने कभी कफ सिरप क्यों नहीं टेस्ट किया? गॉड ने कभी कफ सिरप क्यों नहीं टेस्ट किया? हाँ वो कुछ बच्चों वाला है ना, ग्लूकोडी कुछ है ना इसका जो टॉनिक का नाम। नहीं कफ सिरप क्यों नहीं टेस्ट किया क्योंकि ये ना जो जो गूगल का लिंक है ना आपके वाला वो मुझे ट्रांसफर करो पहले। बताओ जी क्योंकि खुदा ना खाता। ओह वाओ इंटरेस्टिंग आप जीत गई। सही है यार नाइस वेरी नाइस यू वन एग्जैक्टली थैंक यू। हुआ ये कि एक ना शराबी था तो उसने ना बहुत शराब पी ली। तो मंगलवार था तो उसके घर वाले ना उसको ये मटन खाने नहीं दे रहे थे। तो उसने सोचा कि भाई मैं घर वाले जब सो जाएंगे ना तब बकरा चोरी करूंगा। तो वो जब घर वाले सो गए वो अपने घर में ही बकरे की चोरी करके अपने दोस्तों के पास ले गया और उन्होंने खा लिया। अगले दिन जब वो घर पे आया तो वो बकरा वहां पे जिंदा था। तो उसने पूछा कि यार ये बकरा तुम्हें रात को चोरी करके ले गया था, ये कैसे जिंदा है? तो उसकी वाइफ ने कहा पहले ये बताओ कल तुमने कितनी पी ली थी, वो कुत्ता कहाँ ले गए तुम लोग? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम मस्ती को कंटिन्यू करते हैं और कुछ परफॉर्मेंसेस की और बारी है। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं भाग्यश्री, आइए सुनते हैं। यार मैं आज में फिर फेल होगी, मुझे नहीं समझ आती कि नंबर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं समझ आता यार, दिमाग खराब हो जाता है, मैं क्या करूँ? अरे अरे बच्चा क्यों है परेशान, कर तो नंबरों से धमाल, इनसे कर तो दोस्ती ना होगी सुस्ती, होगा अलजेब्रा से भी प्यार, ना लगेगी मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन कैसे कैसे? रेडियो उड़ान पर है समस्या का समाधान, रेडियो उड़ान पर है समस्या का समाधान, हर हफ्ते हर शुक्रवार रात को 8 बजे आते आरजे आंचल और आरजे मीनल करवाने मेंटल मैथ से प्यार, अपने शो पर रैंडम मैथमेटिक्स पर जिस पर बताई जाती हैं गणित की इजी बीजी ट्रिक्स टू सॉल्व योर क्वेश्चंस क्विक क्विक क्विक। अगर रह गया हो सुनना शुक्रवार को तो चिंता ना करना, हर हफ्ते हर शनिवार दोपहर 3 बजे आएंगे दोबारा तुम्हारे अपने आरजे आंचल और आरजे मीनल करने प्रॉब्लम्स को दूर दूर दूर। बहुत बढ़िया भाग्यश्री, आइए चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है उन्हें आपसे। शुरुआत करेंगे अंकित जी से। ये बात कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि जरूरी नहीं हर आरजे प्रोमो कर सके, लेकिन उसे करना आना चाहिए ऑन इमरजेंसी बेसिस या किसी को समझाने के लिए। आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि कभी भी डुअल करेक्टर पर प्रोमो मत बनाइए, या तो फिर आपके पास वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अकेले से रैप फॉर्म में करती तो बहुत अच्छा आता, आपने अच्छी कोशिश की है,
मैं आपकी कोशिश को अप्रिशिएट करूंगा। पुनीत जी, भाग्यश्री अंकित जो बात कह चुके हैं मैं पूरी तरह उससे सहमत हूं। मैं सिर्फ ऐड इतना करना चाहूंगा कि आप एडिटिंग कोशिश करके करें, बीजीएम प्रोमो में यूज करें और अच्छे से यूज करें। लगना चाहिए कि भाई ये जिंगल है, प्रोमो है, ये मुझे सिर्फ एक रफ ऑडियो लग रही थी। ऑल द बेस्ट। हर्षदा जी, जी बिल्कुल काफी अच्छा ट्राई, और अब तक का जो भी हमने सुने तो इसमें ये बेस्ट मुझे लगा, और आपने काफी क्रिएटिविटी शब्दों के साथ डाली, एंड इट वाज अ गुड ओवरऑल प्रोमो, अच्छा लगा सुन के। सो कीप योर हार्ड वर्क अप, इसी तरह से मेहनत कीजिए, इसी तरह से क्रिएटिविटी डालिए, इसी तरह से सीक्वेंसिंग कीजिए, इट विल बेनिफिट यू। ऑल द बेस्ट फॉर द राउंड। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है कुलसुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे कुलसुम, स्वागत करती हूं आपका आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन ओनली ऑन रेडियो उड़ान पर। लेकर आई हूं आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम अनोखी मालूमात। तो दोस्तों, ट्रेन का सफर हम सबको अच्छा लगता है, तो क्या कभी सोचा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है हिंदुस्तान के एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एक शहर रियासी से 42 किलोमीटर दूर चिनाब नदी पर बन गया चिनाब ब्रिज, जिसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर और आईफिल टावर से है 35 मीटर ऊंचा। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 2004 में, 8 और 9 में इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी, हाइट ज्यादा होने की वजह से हवाएं तेज चलती थी जिससे हो सकता था पैसेंजर्स को बहुत ज्यादा खतरा। लेकिन 2022 में इसकी कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू कर दी गई और अब जो है लगभग इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है। इसको बनाने में आया है खर्चा 1086 करोड़ रुपए का। आईफिल टावर से है 35 मीटर ऊंचा और टॉलरेट कर सकता है हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक को भी। फिलहाल इसके लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय। पुनीत जी, कुलसुम ये प्रोमो नहीं था, ये आपकी अपनी आरजे प्रेजेंटेशन थी, वही जो पहले भी किसी को अंकित ने ये बात कही। आपने तो, आप में और उनमें फर्क ये था कि आपने तो पूरा शो ही अपना बना दिया। मैं आरजे कुलसुम लेकर आई हूं आपके लिए अनोखी मालूमात, आपने तो उन आरजे का नाम ही नहीं दिया जिनका ये शो है, तो दैट वाज नॉट अ प्रोमो। प्लीज टेक केयर, सीरियसली सुना कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, सीरियसली आप ध्यान दिया करें कि आपको करना क्या है। अंकित जी, जो बैकग्राउंड में जो बात दानिश सर ने बोली मैं वो तो नहीं बताऊंगा, मगर वो बात बड़ी कमाल की थी। एंड मैं आपसे जो पुनीत सर ने बोला वो बोलूंगा कि सुनिए, आपने मुझे लगता है पहला राउंड सुना ही नहीं कि हम लोगों ने बोला क्या है, ये सबसे बड़े दुख की बात है। ये प्रोमो नहीं है, ये आरजे लिंक है, सॉरी, मेहनत करिए अपने आप पर। हर्षदा जी, जी बिल्कुल, बाकी दोनों जजेस ने जो कहा है मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपको, मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं डाउट है, सो ऑल ऑफ द जजेस, द अदर पीपल जैसे दानिश सर, सब ज्योति मैम, सब अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए, यू जस्ट हैव टू रीच अस आउट। उसके बाद भी आप इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं, इसमें आउट्रो आपका मिसिंग, स्ट्रांग आउट्रो नहीं था, स्ट्रांग इंट्रो नहीं था, बस करने के लिए खत्म कर दिया है, मुझे तो इस तरह का ट्राई लगा। लेकिन यू हैव टू बी वेरी 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 हार्ड वर्किंग इन द नेक्स्ट शो और योर नेक्स्ट राउंड, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज आप टॉप 17 में हैं, 60 लोगों में से आप 17 में हैं, तो द कॉम्पिटिशन इज टफ एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। चलिए, तो इस बार बिल्कुल जजेस बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाराजगी भी बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। आई थिंक बहुत सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए जिंगल या प्रोमो का क्या होता है। एनीवेज, तो ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, अब आपको खुश होना चाहिए कि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन अगले के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। वैसे मुझे एक जोक याद आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सिचुएशन पे वो रल मिल रहा है, पर फिर मुझे लगा नहीं रल मिल रहा, तो क्या किया जाए, अभी सुनाया जाए या नहीं? हाँ, वैसे स्ट्रेस को हल्का कर लिया जाए। सुना दे, सुना, जब मर्जी सुना दो, हमें तो झेलना ही है। तो वो एक वैकेंसी निकली थी कंप्यूटर हैकर इन्वेस्टिगेटर की,
मैंने कुछ ऐसा कहा हंसी वाला क्या? मुझे लगता है अंकित तो, ने गूगल जोक पहले से सुना हुआ है, ये गूगल जोक है ही नहीं, तो इसलिए ये आपको गूगल पे मिलेगा ही नहीं। तो ये कंप्यूटर हैकर इन्वेस्टिगेटर की एक जॉब निकली, तो एक इंजीनियर वहां पे चला गया। तो उससे पहला सवाल ये पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो। उसने कहा सर बड़ा आसान है, मैंने आपका कंप्यूटर हैक करके अपने आप को इस इंटरव्यू में बुलवाया है। अब इससे ज्यादा क्या। तो कहने का भाव ये है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको भी थोड़ा सा अर्जेंट को हैक करना चाहिए था, और पुराने जो प्रोमो राउंड है या प्रोमोज है उनको एक बार सुनना चाहिए था। बनी कोई बात? यस यस करेक्ट, सही। चलिए तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं मनीष, देखते हैं कि इन्होंने हमारा कंप्यूटर हैक किया या नहीं, आइए सुनते हैं। हेलो हाय नमस्कार, क्या आप हैं क्रिकेट के शौकीन और सुनना चाहते हैं क्रिकेट से संबंधित खबरें? तो सुनिए रेडियो उड़ान पर हमारा शो जिसका नाम है क्रिकेट वीकली, हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण हर सोमवार दोपहर 3 बजे। इस शो में आपको मिलेंगी क्रिकेट न्यूज, मैच रिपोर्ट्स, स्टैट्स, फैक्ट्स और भी बहुत कुछ। तो सुनिए क्रिकेट वीकली विद आरजे अंकित, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। अंकित बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, आइए चलिए जजेस के पास चलते हैं। अंकित जी, अरे सर ये तो आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया। पहले मैं आपकी गलती बता देता हूँ, प्रोमो तो मेरा है, ये मेरे शो का है। मतलब म्यूजिक आपने भी स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ले लिया, लेकिन ये दिख रहा है कि आपने मेहनत की है। आपने जो फ्रेज बोला ना स्टार्टिंग में, मैं यही फ्रेज अपने शो पे इस्तेमाल करता हूँ। इससे लग रहा है आपने यूट्यूब पर या रेडियो पर शो को सुना है, तब ये प्रोमो तैयार किया है। म्यूजिक आपने बहुत अच्छा लिया, एंड बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अपने शो में लगाने की। एंड इसके अगर ये आपका फ्रेज है तो मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आपका चोरी कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर आपकी मेहनत नजर आ रही है कि आपने मेहनत किया है, किया इस प्रोमो पर। पुनीत जी, बंधु एडिटिंग टेबल पर आप भी नहीं बैठे, आपने बीजीएम तो ले लिया लेकिन आधी रिकॉर्डिंग आपकी एक कान में बज रही है, बाएं कान में मेरे, और आधी रिकॉर्डिंग आपकी मेरे दाएं कान में बज रही है। चलें वो भी काबिले बर्दाश्त, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है ना दोस्त, वो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है ना जो मेरे दोस्त, वो रिकॉर्डिंग ऐसी है जैसे आपने पता नहीं किस तरह के फटे हुए स्पीकर में या फोन कॉल पे कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये बात अच्छी नहीं है, मैं बड़ी माफी चाहता हूँ। अंकित भाई ने आपकी तारीफ की बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे थोड़ी आपकी आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपनी रिकॉर्डिंग क्वालिटी में, एडिटिंग में भी सुधार कीजिए। बाकी हाँ, कंटेंट आपका अच्छा था, ऑल द बेस्ट। हर्षिता जी, यस बाकी दोनों जजेस ने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा है, म्यूजिक लाउड था, एडिटिंग आपको अच्छे से करनी है, प्लीज अगले राउंड्स के लिए ये चीज ध्यान में रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द थ्री ऑल द टू राउंड्स। चलिए तो अब समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का, आप कहीं भी मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत, हिडन वॉइसेस, हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टि बाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस,
एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टि बाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। वेलकम बैक, रेडियो उड़ान पर सुन रहे हैं आरजे हंट का एक जरूरी सूचना। रेडियो उड़ान पर अगर आप विजुअली इंपेयर्ड या लो विजन है तो आपके लिए एक कंपटीशन है, ब्यूटी पेजेंट। तो अगर आप 18 साल से 35 साल के बीच में हैं, अनमैरिड हैं और आपको ब्यूटी पेजेंट का शौक है, फैशन शो का शौक है, तो आज ही रजिस्टर कीजिए। वेबसाइट पे जाइए www.radiodan.com और इसमें आप जीत सकते हैं 21,000 का फर्स्ट प्राइज और 11,000 का सेकंड प्राइज। तो आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है मांडवी बात्रा, आइए सुनते हैं। Hello listeners, good morning to all. So you are tuned to Radio Udaan. So are you feeling exhausted or you are feeling negative or you want to get rid of all the toxic people in your life? So this monsoon season, let's help you out in washing away all such toxic people from your life. So for that, don't forget to tune into Topicless Tapri by your favorite RJ Pulkit Sharma, sharp at 9 PM on Saturday. And for repeat telecast, sharp at 4 PM on Sunday, where we will have an insightful and eye-opening discussion on how to deal with toxic people in your life. So till then, stay tuned and have happy weekend. बहुत बढ़िया, चलिए जजेस के पास चलते हैं। हर्षदा जी, can be considered a good try. बस मुझे एक लाइन बहुत खटकी कि हैप्पी वीकेंड जो है वो नहीं बोला जाता है, बिकॉज ये अलग तरीके का शो है। सो इसमें जो व्यू पॉइंट जो रखता है होस्ट, उसको आपको ध्यान देना जरूरी है। बाकी एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड इन अ गुड ट्राई, ऑल द बेस्ट फॉर अदर टूरम्स। अंकित जी, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि प्रोमो कभी भी टाइम स्पेसिफिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोमो कभी भी चलाए जा सकते हैं, वो रात में 12 बजे हो, सुबह 4 बजे। हाँ, उस शो का टाइमिंग देना जरूरी है, लेकिन टाइम स्पेसिफिक कभी भी प्रोमोज नहीं हो सकते। ये प्रोमो नहीं है, ये आरजे मेंशन है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पुनीत जी, सारी रिकॉर्डिंग मेरे दाएं कान में बज रही थी, BGM बहुत देर से शुरू हुआ, पीछे पंखे की आवाज थी। काफी लोगों को भी लग रहा होगा कि ये ऑडिशन राउंड में तो इतना ज्यादा नहीं बोल रहा, अब इसे क्या हो गया है, लेकिन अब मुझे जरूरी लग रहा है कि मैं बोलूं। एडिटिंग टेबल पर आप नहीं बैठे तो प्लीज मेहनत कीजिए, नेक्स्ट राउंड में छा जाइए। ऑल द बेस्ट। चलिए मांडवी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही है नव्या, आइए सुनते हैं। In the small matter, trust the mind. In the large matter, trust the heart. बातें होंगी हर पहलू पर, फिटनेस से लेकर पोषण और मानसिक सहजता तक। A world of wonder, a world of glee. हेल्शियन की दुनिया, हेल्शियन की दुनिया एक शानदार सपना। We are dreams and magic in
लाइक एंड नाचना, तो सुनना ना भूले द हेल्थ शो। एक शो ही नहीं, एक मंच जहां अगर समस्या है तो शो में सॉल्यूशन है विद आरजे हर्षदा। सोमवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.radioudan.com। तो डाउनलोड करना ना भूले अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पुनीत जी, यस नव्या, ये एक अच्छी कोशिश थी, ट्राई अच्छी थी ये, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। हर्षदा जी, जी पुनीत सर से मैं सहमत हूँ। इट वाज अ गुड ट्राई, आप अच्छा ट्राई कर रही हैं। आपको समझ रहा है कि प्रोमो किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से क्रिएटिविटी चलती है, किस तरह से पूरा जो लैंग्वेज का फेज है वो किस तरह से जाना चाहिए। और इट इज हेल्सियन शो। हेल्सियन का मतलब होता है कि एक बहुत अच्छी जगह। इट्स अ जर्मन, इट्स अ हिब्रू नेम बेसिकली। और 47 सेकंड्स में ही आपने इसको खत्म कर दिया। यू कुड हैव मेंशन मोर अबाउट रेडियो उड़ान, तो अच्छा लगता। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, इसी तरह का हार्डवर्क रखिए। अंकित जी, सारी बातें दोनों जजेस कर चुके हैं, लेकिन आपकी स्टार्टिंग ऐसा लग रहा था कहीं से कट की हुई है। अब्रप्ट थी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग स्मूथ हो सकती थी, या तो फिर मुझे ऐसा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ये मेंशन किया। तो अब समय है आज की अंतिम परफॉर्मेंस सुनने का, लेकर आ रहे हैं नीरज, आइए सुनते हैं। रेडियो रन प्रेजेंट्स शामी गजल, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्जेनिक, और लेकर आया हूँ फिर एक बार आपका पसंदीदा शो, ठीक रात के 10 बजे शामी गजल। कहते हैं जब भावनाएं दिल में होती है प्रबल, दोस्तों जब भावनाएं दिल में होती है प्रबल तो निकल जाती है दिल से फिर कोई गजल। गजलों का जादू शाम की रोशनी बिखेरने आए हैं, गजलों का जादू शाम की रोशनी बिखेरने आए हैं, तो आनंद लीजिए इन गजलों का मेरे दोस्तों, हम आपके लिए फिर कोई नई गजल लेकर आए। बढ़िया नीरज जी। पुनीत जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नीरज आपको नेक्स्ट राउंड में, शामी गजल का एटमॉस्फेयर तो था ही नहीं। ऑल द बेस्ट। हर्षदा जी, होस्ट का नाम मिसिंग, इंट्रो ठीक, आउट्रो बिल्कुल भी कैप्टिवेटिंग नहीं, प्लीज मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। अंकित जी, मेरे दोनों जजेस सारी बात कह चुके हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट। चलिए तो मेहनत कीजिए नीरज जी, क्योंकि अगला राउंड जो होने वाला है लाइव, उसमें बहुत तैयारी की जरूरत है। अब समय है आप लोगों से इजाजत लेने का। जाते जाते ज्ञान ध्यान, सारी उम्र हम दौलत कमाने के चक्कर में अपनी सेहत गवा बैठते हैं, और बाद में अपनी सेहत को वापस पाने के लिए सारी दौलत। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी शो में दूसरे एपिसोड के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो।